वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो देखिए, आज की अपनी इस वीडियो में हम क्लास 11th एलिमेंट्स से चैप्टर 2 रिलेशन एंड फंक्शन में एक्सरसाइज 2.1 को पढ़ने वाले हैं। आज की अपनी इस एक्सरसाइज में हम ऑर्डर्ड पेयर, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, उसके ग्राफ और एरो डायग्राम के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं आपका ऑर्डर्ड पेयर कि एक ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है। अब देखिए, मान लीजिए हमारे पास दो सेट हैं, एक ए सेट है एंड एक बी सेट है। अब इन दोनों के एलिमेंट्स को, इन दोनों सेट के एलिमेंट्स को किसी खास तरीके से हम लिखें, किसी खास पैटर्न में हम यदि लिखें, तो उसको क्या कहते हैं हम, ऑर्डर्ड पेयर। जैसे यहां पर लिखा 1 और यहां से इसका पहला एलिमेंट ले लिया 1, a। तो ये जो 1, a है, ये क्या है, हमारा ऑर्डर्ड पेयर है। और इसमें खास तरीके से कैसे लिखा हुआ है, पहला एलिमेंट सेट ए से है और दूसरा एलिमेंट सेट बी से है, इस तरीके से हमने इसको लिखा हुआ है। अब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि पहला एलिमेंट हमेशा ए से होगा, पहला एलिमेंट बी से भी हो सकता है और दूसरा एलिमेंट ए से हो सकता है। ये भी क्या है, हमारा एक ऑर्डर्ड पेयर है। और ऐसा भी हो सकता है कि दोनों एलिमेंट हमारे क्या हों, सेम हों, तो वो भी क्या होगा, हमारा एक ऑर्डर्ड पेयर होगा। तो एक ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, जिसमें एलिमेंट्स किसी खास पैटर्न में लिखे होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं। यदि हम इसकी डेफिनेशन लिखें तो वो क्या होगी, द ऑर्डर्ड पेयर इज ए पेयर ऑफ एलिमेंट्स which are written in a specific order। मतलब एक pair of elements होता है जहां पर जो pair of elements हैं वो एक specific order में लिखे होते हैं। अगर elements specific order में लिखे हुए हैं तो उनको हम क्या कहते हैं, आपका ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं। और ऑर्डर्ड पेयर के अंदर दो या तीन एलिमेंट्स को भी लिखा जाता है जब यहाँ पर कॉमा से सेपरेट किया जाएगा, और इन ब्रैकेट्स को हम क्या कहते हैं, आपका पैरेंथेसिस कहते हैं। पैरेंथेसिस के अंदर कॉमा से सेपरेट करके हम एलिमेंट्स को लिखते हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं आपका, इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। दो ऑर्डर्ड पेयर हमारे इक्वल कब होंगे, टू ऑर्डर्ड पेयर्स, या फिर हम देखें जैसे यहां पर एक ये ऑर्डर्ड पेयर लिखा हुआ है ए कॉमा बी, और यहां पर लिखा हुआ है हमारा सी कॉमा डी। दो ऑर्डर्ड पेयर्स हमारे इक्वल तब होते हैं जब उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होते हैं। मतलब ये ए किसके बराबर होगा, सी के बराबर होगा, एंड जो ये बी है वो किसके बराबर होगा, डी के बराबर होगा। तो दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल तब होते हैं जब उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो आप इसमें लिख सकते हैं, टू ऑर्डर्ड पेयर आर इक्वल इफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। यदि उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हैं तो वो ऑर्डर्ड पेयर क्या होंगे, हमारे इक्वल होंगे। अब इस इक्वलिटी की कंडीशन को यूज़ करके वो हमसे कई सारे क्वेश्चंस पूछ सकता है। जैसे वो यदि हमें
एक सेट दे दे, एक ऑर्डर्ड पेयर दे दे, 2x, 3y बराबर है हमारे किसके, वो बराबर है हमारे 4, 6 के, तो x और y की वैल्यू को फाइंड आउट कीजिए। ये क्वेश्चन है, आई कैन से एग्जाम्पल फ्रॉम इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर इक्वल हैं, तो x और y की वैल्यू को फाइंड आउट कीजिए। तो यहाँ पर 2x किसके बराबर होगा, 4 के बराबर होगा, तो यहाँ से x किसके बराबर आ गया, 2 के, 3y is equal to 6 and y is also equal to 2। तो हम यहाँ से इस कंडीशन को यूज़ कर लेंगे कि दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल तब होते हैं जब उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होते हैं। अब हम इस पर देखते हैं कुछ कंडीशंस या फिर मेन पॉइंट्स आप उन्हें बोल सकते हैं। टू ऑर्डर्ड पेयर्स ए कॉमा बी एंड बी कॉमा ए आर डिफरेंट अनलेस A is equal to B। मतलब जो हमारे A कॉमा B और B कॉमा A है वो डिफरेंट ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे अनलेस, जब तक A और B बराबर नहीं हो जाते। समझे जरा, A कॉमा B और B कॉमा A ये बराबर कब होंगे, जब ये वाला एलिमेंट इसके और ये वाला एलिमेंट इसके बराबर होगा, और वो कब हो रहा है, जब A के A जो है वो B के बराबर आ रहा है। तो यदि A और B बराबर हैं तो ये ऑर्डर्ड पेयर्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, अनलेस ये क्या रहेंगे, आपके डिफरेंट ऑर्डर्ड पेयर्स रहेंगे। सेकंड पॉइंट, टू कंपोनेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर कैन बी इक्वल। मतलब जो दो कंपोनेंट होते हैं हमारे ऑर्डर्ड पेयर के, ये दो जो कंपोनेंट होते हैं वो दोनों सेम भी हो सकते हैं। मैंने बताया आपको कि वो ऐसे भी हो सकते हैं और दोनों सेम भी हो सकते हैं आपका। और थर्ड पॉइंट, ए कॉमा बी इज नॉट इक्वल टू ए कॉमा बी। ध्यान से देखिए, ये जो ए कॉमा बी है ये है आपका एक सेट और ये क्या है, एक ऑर्डर्ड पेयर है। तो ये दोनों क्या होंगे, आपके इक्वल नहीं होंगे। ये एक सेट है और ये क्या है, आपका एक ऑर्डर्ड पेयर है। आप बोलेंगे इज नॉट इक्वल टू ए कॉमा बी बिकॉज, कर्ली ब्रैकेट, ए कॉमा बी इज ए सेट एंड is a ordered pair। दोनों क्या हैं, अलग अलग values हैं या अलग अलग mathematical formulations हैं। ये एक set है और ये क्या है, एक ordered pair है, that's why ये दोनों क्या होंगे, आपके equal नहीं होंगे। Next हम देखते हैं Cartesian product of sets। तो Cartesian product of sets क्या होता है, हम सबसे पहले देखते हैं इसकी definition। Let A and B are two non-empty sets then their Cartesian product is denoted by A cross B is a set of ordered pair A comma B formed by taking
ए फ्रॉम ए एंड बी फ्रॉम बी। तो जो हमारा इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट है ए और बी का, उसको हम डिनोट करेंगे ए क्रॉस बी से, और उसके अंदर के जो एलिमेंट्स हैं वो इस तरीके के ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे। एंड ये जो ऑर्डर्ड पेयर हैं वो किस तरीके से होते हैं कि यहाँ पर जो पहला एलिमेंट ए है वो इस वाले सेट से होगा, और ये जो दूसरे वाला एलिमेंट बी है वो कहाँ से होगा हमारा, वो बी से होगा। हम इसको सिंबॉलिकली भी लिख सकते हैं, सिंबॉलिकली ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए कॉमा बी टाइप के ऑर्डर्स पेयर्स होंगे सच दैट ए जो है वो ए से आएगा एंड बी जो है वो बी से आएगा। इस तरीके के ऑर्डर्ड पेयर्स का जो सेट बनेगा उसे हम कहेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। देन इसके बाद यदि मेरे पास, अब मैं इसका एक एग्जांपल लेता हूँ कि किस तरीके से हम कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं। मैंने ए एक सेट ले लिया 1 2 3 एंड बी एक सेट ले लिया एक्स वाई। मुझे निकालना है ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी मैं कैसे निकालूंगा? पहला एलिमेंट मैं ए से लूंगा क्योंकि ए पहले लिखा हुआ है, तो ए का पहला एलिमेंट ले लेंगे 1। अब बी से एलिमेंट लेंगे 1, x। अब फिर से 1 लेंगे और बी का दूसरा एलिमेंट लेंगे। आई रिपीट, पहले ए का एलिमेंट ले लिया और फिर बी के दोनों एलिमेंट्स उसके साथ ले लिए। फिर यहाँ से ए का दूसरा एलिमेंट लेंगे एंड बी का पहला एलिमेंट हम लेंगे यहाँ पर। फिर से हम ए का दूसरा एलिमेंट लेंगे और बी का दूसरा एलिमेंट लेंगे यहाँ पर। फिर हम ए का तीसरा एलिमेंट लेंगे और बी का पहला एलिमेंट लेंगे। ए का तीसरा एलिमेंट, बी का दूसरा एलिमेंट। इस तरीके से जो ऑर्डर्ड पेयर बनेगा वो क्या होगा हमारा? ए क्रॉस बी, या फिर कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी होगा। अब यहाँ पर हम ए क्रॉस बी तो निकाल लिया, हम यहाँ पर बी क्रॉस ए भी निकाल सकते हैं। बी क्रॉस ए कैसे निकालेंगे? अब हम बी क्रॉस ए निकाल रहे हैं तो बी का एलिमेंट अब हम पहले लेंगे, तो बी सेट से पहले एलिमेंट को लिखेंगे एक्स। अब ए का पहला एलिमेंट लीजिए, फिर हमने बी का एलिमेंट लिया, ए के दूसरे एलिमेंट को इसके साथ लीजिए। बी का पहला एलिमेंट ले लिया, ए का तीसरा एलिमेंट। एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि इस एलिमेंट को सभी के साथ बारी बारी मल्टीप्लाई करना है और इस ऑर्डर्ड पेयर में लिख देना। यू कैन से दैट, ऐसा मल्टीप्लाई नहीं होता है, बट आप कह सकते हैं कि बारी बारी सभी के साथ लिखना है। अब वाई को सबके साथ ले जाइए, वाई कॉमा 1, वाई कॉमा 2 एंड वाई कॉमा 3। ये आ गया हमारे पास बी क्रॉस ए। ए क्रॉस बी हमने निकाल लिया, बी क्रॉस ए हमने निकाल लिया। अब यहां पर हम देखते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी। एन ए क्रॉस बी का मतलब क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी, और वो कितने हैं हमारे पास? ध्यान से देखें, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, 6 एलिमेंट्स इसके अंदर हैं। और आप इसको डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं क्योंकि जो n ऑफ a क्रॉस b है वो बराबर होता है हमारा किसके? n a इनटू n b के। अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a, a सेट में कितने एलिमेंट हैं? 3 हैं। b सेट में कितने एलिमेंट हैं? 2 हैं। तो हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी कितने आ गए हमारे पास? वो 6 आ गए हैं।
अब इसी तरीके से हम इस पर कुछ इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स लिखते हैं। जैसे यदि आपसे वो पूछ ले नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ, ये भी एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट है, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी, कि ए क्रॉस बी के कितने सबसेट बनेंगे, किसी भी सेट के कितने सबसेट बनते हैं, 2n सबसेट बनते हैं जब उस सेट में n एलिमेंट्स हमारे होते हैं। तो यहाँ ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट हैं हमारे, वो हैं 6 एलिमेंट्स, तो इसके सबसेट कितने बन जाएंगे, 2 की पावर 6 इसके सबसेट बन जाएंगे। बट वो हमसे ए क्रॉस बी के बारे में पूछ रहा है, तो 2n ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी में जितने एलिमेंट होंगे उन्हें 2 की पावर में लगाएंगे तो हमें ए क्रॉस बी के सारे सबसेट्स मिल जाएंगे। या फिर इसको आप और भी एक्सपेंड करके लिख सकते हैं, एन ऑफ ए क्रॉस बी किसके बराबर है, एन ऑफ ए इंटू एन ऑफ बी, इतने नंबर ऑफ सबसेट्स आपके ए क्रॉस बी के बनेंगे। अब हम इस पर लिखते हैं सम इंपोर्टेंट रिजल्ट्स। सबसे पहला रिजल्ट, जो ए क्रॉस बी है वो बराबर नहीं होगा बी क्रॉस ए के। अब ध्यान से देखें, जो ए क्रॉस बी है वो बी क्रॉस ए के बराबर नहीं है, तो यही हमारा सबसे पहला रिजल्ट है। सेकेंड रिजल्ट, जो एन ऑफ ए क्रॉस बी है वो बराबर है हमारा एन ए इंटू एन बी, और यदि मैं एन ऑफ बी क्रॉस ए निकालूं तो वो भी एन बी इंटू एन ए के बराबर होगा। मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी बराबर होंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी क्रॉस ए। आप इसे टैली भी कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, बी क्रॉस ए में देखिए 1 2 3 4 5 6, मतलब ये आपस में बराबर नहीं होंगे बट इनके अंदर के जो एलिमेंट्स हैं, जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो बराबर होंगे। और ऐसे सेट्स जिनमें नंबर ऑफ एलिमेंट बराबर हो बट वो इक्वल ना हो उन्हें क्या बोलते हैं हम, इक्विवेलेंट सेट्स बोलते हैं। तो यहां पर 10 ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए आर इक्विवेलेंट सेट्स, तो ये क्या हो जाएंगे हमारे, इक्विवेलेंट सेट्स हो जाएंगे। एंड द थर्ड रिजल्ट इज, थर्ड रिजल्ट क्या हो जाएगा हमारा, कि यहां पर एन ऑफ ए क्रॉस बी यदि हमें कभी निकालना होगा तो वो बराबर होगा एन ए इंटू एन बी के। एंड द फोर्थ रिजल्ट इज, जो ए क्रॉस बी है वो फाई के बराबर कब होगा, मतलब ए क्रॉस बी जो है वो इक्वल टू फाई कब होगा, जब या तो इफ एंड ओनली इफ ए इज इक्वल टू फाई और बी इज इक्वल टू फाई, मतलब या तो ए फाई होना चाहिए या फिर बी, इन दोनों में से कोई एक फाई होगा तभी हमारा जो ए क्रॉस बी है वो फाई के बराबर होगा, अदरवाइज वो फाई के बराबर नहीं होगा हमारा। एंड द फिफ्थ वन इज, इफ ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स एंड एनी वन ए और बी इज इनफाइनाइट सो ए क्रॉस बी, मतलब समझें इस बात का कि ए और बी नॉन एम्प्टी सेट हैं और ए और बी में से कोई एक आपका क्या हो गया, इनफाइनाइट सेट हो गया, तो ए क्रॉस बी भी क्या हो जाएगा हमारा, इनफाइनाइट हो जाएगा। मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं, जैसे मेरे पास ए है आपका 1 2 3 और बी क्या हो गया हमारा 1 2 3 एंड एक इनफाइनाइट सेट हो गया,
और मैं यहां पर निकाल रहा हूं ए क्रॉस बी, तो मैं पहले वन लूंगा, वन को वन के साथ, वन को टू के साथ, वन को थ्री के साथ, वन को फोर के साथ, एंड ये चलता ही रहेगा क्योंकि ये एक इनफाइनाइट सेट है। तो जो हमारा ए क्रॉस बी है वो भी इनफाइनाइट हो जाएगा यदि हमारा जो ए क्रॉस बी है वो क्या हो, इन ए और बी में से कोई एक सेट इनफाइनाइट हो जाए। सेम हम पढ़ने वाले हैं रियल नंबर्स के साथ, यहीं पर देख लें अब सिक्स पॉइंट। इफ जो आपके दोनों सेट रियल नंबर हों, जैसे इफ ए बिलोंग्स टू आर एंड बी बिलोंग्स टू आर, देन दिस आर क्रॉस आर इज डिफाइंड एज ए कॉमा बी सच दैट ए बिलोंग्स टू आर एंड बी बिलोंग्स टू आर। तो ये जो R क्रॉस R है मतलब रियल नंबर्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है वो इस तरीके से होगा आपका। नाउ हम देखते हैं ग्राफ ऑफ A क्रॉस B। जो A क्रॉस B है उसका ग्राफ क्या होता है? अब मान लीजिए हमारे पास A एक सेट है 1, 2, 3 एंड बी एक सेट है आपका 2 या फिर हम कहें 3, 5, 7। तो आप ए क्रॉस बी निकालें, पहले 1 को सभी के साथ लेंगे 1, 3, 1, 5, 1, 7, 2 को सभी के साथ लेंगे 2, 3, 2, 5 एंड 2, 7, 3, 3, 3, 5 एंड 3, 7। ये क्या आ गया हमारे पास, ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट आ गया हमारे पास। अब इसका ग्राफ हम कैसे बनाते हैं? तो यहां पर देखिए जो पहला सेट है ए, इसको हम ले लेंगे एक हॉरिजॉन्टल लाइन पर, एंड ये जो दूसरा सेट है इसको हम ले लेंगे एक वर्टिकल लाइन पर। आप इसको ऐसा भी समझ सकते हैं, इसको एक्स एक्सिस पर ले लीजिए, एक्स एक्सिस ऐसे होती है, तो यहां पर 1, 2, 3, बी को ले लिया वाई पर और बी है हमारा 1, 2, 3, यानी कि यहां पे आ जाएगा आपका 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब देखिए ये है हमारा सेट ए को रिप्रेजेंट कर रही है ये, और ये रिप्रेजेंट कर रही है हमारा सेट बी को। हम इसको एक्स एक्सिस नहीं बोल सकते, हम इसको एक्स एक्सिस नहीं बोल सकते, क्यों? क्योंकि जो सेट के अंदर एलिमेंट्स हैं वो यहां पर तो आपके 1, 2, 3 हैं, बट सेट के अंदर एलिमेंट्स ए बी सी डी भी हो सकते हैं, बट एक्स एक्सिस पर तो ए बी सी डी होते ही नहीं, उस पर तो केवल रियल नंबर्स होते हैं। तो आप इनको एक प्लेन में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेंगे, एक वर्टिकल लाइन लेंगे। हॉरिजॉन्टल लाइन को पहले वाले सेट, जो पहले वाला सेट है उसको हॉरिजॉन्टल लाइन पर लेंगे, एंड जो दूसरे वाला सेट है उसको वर्टिकल लाइन पर लेंगे। मैंने बताया ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस नहीं है, क्योंकि सेट के अंदर ए बी सी डी और नाम भी हो सकते हैं, ऐसा भी सेट हो सकता है सेट ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ ए ईयर स्टार्टिंग विद लेटर जे, जे से शुरू होने वाले सभी महीने, तो कैसे बनाओगे एक्स एक्सिस पर? तो ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है और ये एक वर्टिकल लाइन होती है। अब ये हैं आपके 1, 2, 3, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। पहला पॉइंट है 1, 3, तो 1 यहां पर, 3 यहां पर, ये आ गया 1, 3। दूसरा 1, 5 यहां पर, फिर 1, 7 यहां पर, फिर उसके बाद 2, 3 यहां पर, 2, 5 यहां पर, 2, 7 यहां पर, 3, 3 यहां पर, 3, 5 यहां पर और 3, 7 यहां पर।
ये हमारा 2.3, 2.5 एंड 2.7। ये जो पॉइंट्स बन रहे हैं हमारे, यही क्या है, ग्राफ ऑफ ए क्रॉस बी है। तो ग्राफ ऑफ ए क्रॉस बी क्या होता है, ग्राफ ऑफ ए क्रॉस बी इज ए ग्राफ ऑफ ए क्रॉस बी इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स रिप्रेजेंटेड, सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स रिप्रेजेंटेड। तो हमारा ए क्रॉस बी क्या है, सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स होता है जो हमारे ए क्रॉस बी से रिप्रेजेंट होते हैं। तो ग्राफ ऑफ ए क्रॉस बी क्या है, ए क्रॉस बी में जो भी ऑर्डर्ड पेयर हैं उन सभी को हम ड्रा करेंगे तो हमें ग्राफ ऑफ ए क्रॉस बी मिल जाता है। अब हम इसके बाद देखते हैं इसका एरो डायग्राम। एरो डायग्राम बनाने के लिए पहले हम यहां पर पहले वाला सेट लेंगे और यहां पर हम दूसरे वाला सेट लेंगे। ए सेट में हमारे पास एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3 और इसमें है 3, 5 और 7। फिर 1 को हमने मैप किया है सभी एलिमेंट से, तो वैसे ही करना है। 1 को हमने 3 के साथ लिया, 1 को हमने 5 के साथ लिया, 1 को हमने 7 के साथ लिया, फिर 2 को लिया सबके साथ, 2 को 3 के साथ लिया, 2 को 5 के साथ लिया, 2 को 7 के साथ लिया, 3 को 3 के साथ लिया, 3 को 5 के साथ लिया और 3 को 7 के साथ लिया। तो इस तरीके से हम मैप कर देंगे तो हमें एरो डायग्राम ऑफ ए क्रॉस बी मिल जाएगा। तो आपने दो चीजें सीखी हैं, ग्राफ ऑफ ए क्रॉस बी वो क्या होता है, सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स, ए क्रॉस बी के अंदर जितने भी ऑर्डर्ड पॉइंट्स हैं उन सभी को हम प्लेन पर रिप्रेजेंट करें तो वो ग्राफ ऑफ ए क्रॉस बी होता है। दूसरा पढ़ा एरो डायग्राम, यहां पे ए को बनाया, यहां पे बी को बनाया, ए के पहले एलिमेंट को सबके साथ मैप किया, दूसरे एलिमेंट को सबके साथ मैप किया, तीसरे एलिमेंट को सबके साथ मैप किया, तो हमें क्या मिल गया आपका यहां पर, एरो डायग्राम ऑफ ए क्रॉस बी। नाउ हम देखते हैं सम रिजल्ट्स ऑन कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट के कुछ रिजल्ट्स आप कह सकते हैं या फिर थ्योरम्स भी आप इन्हें कह सकते हैं। बस थोड़ा सा मेमोराइज रखना है कि इस तरीके से रिजल्ट होते हैं। पहला थ्योरम, ए क्रॉस बी यूनियन सी किसके बराबर होता है, इसके साथ ए क्रॉस बी ये वाला सिंबल आ गया, ए क्रॉस सी के बराबर होता है। ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी किसके बराबर होता है, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन आ गया, ए क्रॉस सी के बराबर होता है। थ्योरम टू, ए क्रॉस बी माइनस सी किसके बराबर होता है, ए क्रॉस बी ये वाला सिंबल आ गया, ए क्रॉस सी के बराबर होता है। थर्ड थ्योरम, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी क्रॉस डी किसके बराबर होता है हमारा, वो होता है आपका ए क्रॉस सी, इन दोनों का आपको लेना है इंटरसेक्शन, ये वाला सिंबल ए इंटरसेक्शन सी और ये बीच वाला सिंबल क्रॉस बी इंटरसेक्शन डी के बराबर होता है। इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड सी इज अ सबसेट ऑफ डी, तो ए और सी का जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो एक सबसेट होगा बी और डी के क्रॉस प्रोडक्ट के, क्वाइट सिंपल। देन इसके बाद, इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी देन जो ए क्रॉस ए है हमारा वो बराबर होगा किसके, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए दोनों निकालने हैं और उनका इंटरसेक्शन लेना है, वो बराबर होता है हमारा ए क्रॉस ए के। देन इसके बाद, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए केवल तभी बराबर होते हैं, इज इक्वल इफ एंड ओनली इफ ए और बी यदि बराबर हो तो ही इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट बराबर आ सकता है। देन इसके बाद, ए क्रॉस बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट, टोटल का कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होगा,
ए क्रॉस बी, यहां पे यूनियन है तो इंटरसेक्शन लेना है ए क्रॉस सी। सेम यदि इंटरसेक्शन के साथ हो तो ए क्रॉस बी, इंटरसेक्शन है यहां पे यूनियन लेंगे ए क्रॉस सी। ये कुछ रिजल्ट्स या फिर थ्योरम्स कह सकते हो आप, तो ये आपको थोड़ी सी पता होनी चाहिए कि किस तरीके से इनके रिजल्ट्स होते हैं। अब हम आपकी देखते हैं एक्सरसाइज 2.1। तो ये अभी तक हमने जो पार्ट कवर किया है वो था आपका एक्सरसाइज 2.1 के लिए इंट्रोडक्शन। अब हम आपकी एक्सरसाइज 2.1 को देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है हमसे, 2x कॉमा एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 6.2, और वो कह रहा है फाइंड x एंड y, और हमें x और y निकालना है। हमने अभी पढ़ा है कि दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल तब होते हैं जब उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होते हैं। हम लिखेंगे टू ऑर्डर्ड पेयर आर इक्वल इफ दे आर कॉरस्पॉन्डिंग, या फिर आपसे उल्टा लिखेंगे टू ऑर्डर्ड पेयर इक्वल देन their corresponding elements are equal। अगर ये हमारे दो ordered pair equal हैं तो इनके corresponding elements equal होंगे, मतलब जो 2x है वो किसके बराबर होगा 6 के, और जो x plus y है वो किसके बराबर होगा 2 के, ये इसके और ये इसके। तो यहां से x की वैल्यू आ गई 3, x को यहां रख देंगे 3 प्लस y इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू -1। तो x और y की दोनों की वैल्यू हमें मिल गई। ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट हमसे क्या कह रहा है, x प्लस 1 कॉमा y माइनस 2 इज इक्वल टू 3.1। तो यहां से भी हमें x और y की वैल्यू निकालनी है। तो वही लाइन हम फिर से लिखेंगे, टू ऑर्डर्ड पेयर आर इक्वल सो देयर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स देयर आर इक्वल। तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, मतलब x प्लस 1 बराबर होगा 3 के और y माइनस 2 बराबर होगा 1 के। इसको इस तरफ लेके जाएंगे x आ गया 2, और इसको इस तरफ लेके जाएंगे y आ गया 3। तो हमने x और y दोनों की ही वैल्यू को क्या कर लिया है, फाइंड आउट कर लिया है। बस एक कंसेप्ट आपको दिमाग में रखना है कि दो ऑर्डर्ड पेयर हमारे तब इक्वल होते हैं जब उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होते हैं, हमारे इक्वल होते हैं। नाउ एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इफ ए एंड बी हमें दो सेट्स दे रखे हैं, देन हमें शो करना है ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। तो जो A क्रॉस B है वो B क्रॉस A के बराबर नहीं है, ये हमें शो करना है। तो शो कैसे करेंगे, हम A क्रॉस B और B क्रॉस A दोनों निकाल लेंगे और वो बराबर नहीं होंगे, तो हम कह देंगे कि A क्रॉस B इज नॉट इक्वल टू B क्रॉस A, एंड B क्या है हमारा 2.3। अब हम निकालते हैं A क्रॉस B, 1 को लेंगे 1.2, 1 को लेंगे 3 के साथ 1.3, 3.2 एंड 3.3, उसके बाद 5.2 एंड 5.3, ये आ गया हमारा A क्रॉस B। अब निकालते हैं B क्रॉस A। अब B का एलिमेंट पहले लेंगे, तो यहाँ पे आएगा
2, 1, 2, 3, 2, 5। अब 3 को लेंगे, 3, 1, 3, 2 एंड 3, 5। इनफैक्ट यहाँ पे 3, 1 एंड 3, 3 क्या आएगा, 3, 3 एंड 3, 5। आई रिपीट, 2, 1, 2, 3, 2, 5, 3, 1। ठीक है, अब आप देखें तो जो A क्रॉस B है वो B क्रॉस A के बराबर नहीं है, तो आप लिख सकते हैं सो A क्रॉस B इज नॉट इक्वल टू B क्रॉस A, हैंस प्रूफ। और यही क्या करना था हमें, केवल इसके अंदर शो करना था। अब इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो क्या कह रहा है हमसे, ए बी और सी तीन सेट दे रखे हैं, तो हमें फाइंड आउट करना है ए क्रॉस बी यूनियन सी, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। तो हम इसमें क्या करने वाले हैं, ए हमें दे रखा है आपका ए बी, बी हमें दे रखा है 3, 4, सी हमें दे रखा है डी कॉमा ई, इनफैक्ट ये दे रखा है हमें सी कॉमा डी और ये दे रखा है हमें डी कॉमा ई। पहला तो हमें फाइंड आउट करना है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, फिर हमें फाइंड आउट करना है ए क्रॉस बी यूनियन सी। तो आप इससे देख के घबराना नहीं है आपको, बी यूनियन सी इंटरसेक्शन सी भी एक सेट होता है, पहले आप B इंटरसेक्शन C निकाल लें और फिर उसके साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट कर देंगे। तो सबसे पहले हम निकाल रहे हैं B इंटरसेक्शन C, B और C में कॉमन क्या है आपका, केवल D है, ये आ गया। हम निकाल रहे हैं B यूनियन C, तो एक तो C आ जाएगा, D दोनों में कॉमन एक बार लिखेंगे और E, B इंटरसेक्शन C और B यूनियन C दोनों ही हमने निकाल लिए। अब हम इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे, A क्रॉस B इंटरसेक्शन C, A क्या है हमारा और B इंटरसेक्शन C आया D। अब इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट इसके साथ करना है, A कॉमा D, अब B को ले लेंगे B कॉमा D, ये आ गया हमारा A क्रॉस B इंटरसेक्शन C। सेकेंड पार्ट, यहां पर हमें निकालना है A क्रॉस B यूनियन C, A है हमारा A क्रॉस A कॉमा B, B यूनियन C है हमारा C D E, करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, वो हो जाएगा A कॉमा C, A कॉमा D एंड ए कॉमा ई। अब B को लेंगे सबके साथ बी कॉमा सी, बी कॉमा डी एंड बी कॉमा ई, ये क्या आ गया हमारा A क्रॉस B यूनियन C। तो वो इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकलवा सकता है, वो आपको ऐसे दे सकता है एक A यूनियन B का कार्टेशियन प्रोडक्ट कीजिए B इंटरसेक्शन C से, तो A यूनियन B आपके पास एक सेट होगा, B इंटरसेक्शन C एक सेट होगा, बस दोनों को निकालें कार्टेशियन प्रोडक्ट करें। वो ऐसा दे सकता है A इंटरसेक्शन B क्रॉस C यूनियन D, ये भी दोनों सेट होंगे, इनको निकालना है और केवल कार्टेशियन प्रोडक्ट कर देना है। सेट कुछ भी हो जाए, कार्टेशियन प्रोडक्ट करने का तरीका वही रहने वाला है, तो बस पहले उस सेट को फाइंड आउट करें और फिर केवल हमें उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है।